अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस घंटी को दबाना ना भूलें, इससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंचेगा। इंग्लिश शबाना में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुरकुरे मसालेदार छोले। उसके लिए मैंने एक पाव छोले भिगो दिए थे रात को, मैंने बेकिंग सोडा डाल के और उसका पानी मैंने निकाल दिया, उसको मैंने ड्राई कराए। इस तरह मैंने एक सूती कपड़े में इसको निकाल के हम बिल्कुल खुश कर लेंगे इसका पानी, ताकि सारा इसका सूख जाए। बिल्कुल हमें ड्राई चाहिए और हम इसको अब तेल में फ्राई करने चलते हैं। इसका तमाम पानी खुश कर देंगे, गीले नहीं होने चाहिए छोले। अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया है तो मैं डाल के फ्राई करती हूँ, और जब ये पकने लगेंगे तो खुद ब खुद ऊपर आने लगेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम किया हुआ है। छोले हमारे फ्राई हो रहे हैं, ये बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं ये। बस इसको रात को भिगो के रखना होता है, ये अपने पानी में ही फूलते हैं। सोडे का पानी हमें निकाल देंगे, फिर इसको धोकर ड्राई करेंगे हम, फिर इसको फ्राई करेंगे। अभी तेल में फ्राई हो रहे हैं, अभी ये खुद ही ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, तो इसका मतलब है हमारे छोले तैयार हो रहे हैं। ऊपर आना शुरू हो गए और फ्राई हो रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं चने, बाज़ार में भी मिलते हैं चने, मगर सारा मसला है ऑयल अच्छा नहीं होता बाज़ार का। घर में ये है कि आप बस सिर्फ भिगोना होता है, फ्राई करना होता है। थोड़े मसाले हम शामिल करेंगे इसमें, घर में साफ़ सुथरा और अच्छा ऑयल में हम इसको पका लेंगे। देखिए मैंने जो मैंने चने डाले थे तमाम ऊपर आ गए और तो ब्राउन होना शुरू हो गए। अब हम इसे निकाल लेंगे, फ्लेम कम कर लेती हूँ मैं। देखिए छोले हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए, फ्लेम बंद कर रही हूँ मैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी एक छलनी में, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकल जाए। कितनी जल्दी तैयार हो गए हमारी कुरकुरे छोले। अभी हम इसमें मसाला शामिल करेंगे। देखिए मैंने चनों को निकाल लिया है और इसका एक्स्ट्रा ऑयल हम इस तरह करके निकाल लेंगे। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, टिश्यू पेपर में मैं डाल रही हूँ, और इसका हम ऑयल और अच्छे से हम इसको जब्स करेंगे, ताकि टिश्यू पेपर इसको जब्स कर ले तेल को। देखिए मैंने टिश्यू पेपर से इसका एक्स्ट्रा ऑयल सब निकाल लिया है, और अब मैं इसको प्याली में डालूंगी। ये कितने अच्छे ब्राउन कलर आया है हमारे छोलों का, और कितनी झटपट तैयार हो जाएंगे। तो दो प्याली में निकाल रही हूँ, और आपको मैं इसको बताऊंगी दो फ्लेवर में किस तरह मैंने बनाती हूँ। एक प्याली में मैं काली मिर्च डाल रही हूँ, बिल्कुल चौथाई चम्मच है थोड़ा सा, और नमक शामिल करेंगे, बस दो चुटकी डाल रही हूँ, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें मैंने आधा मैंने लीमू लिया है, इसमें शामिल कर देंगे। और ये हमारे काली मिर्चों के चने तैयार हो गए, बहुत ही मज़े के बनते हैं। एक फ्लेवर हमारा बन गया है काली मिर्चों का, और एक में हम डालेंगे देहली का मसाला, ये भी मैं तकरीबन चौथाई चम्मच ले रही हूँ, और इसमें मैं नमक शामिल करूँगी काला नमक, ये भी मैं थोड़ा सा डालूंगी, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे मसालेदार छोले तैयार हो गए, सिर्फ फ्राई करना है और भिगोना है हमें इसको, और मसाले शामिल करेंगे हमने इसमें। देखिए घर में कितने अच्छे चने तैयार हो जाते हैं हमारे कुरकुरे।
खाने में बहुत टेस्टी और मज़ेदार हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।